तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पर लोन कैसे लिया जाता है, या लोन मिलता भी है नहीं मिलता है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। आपने कभी ज़रूर सुना होगा कि आपने हाई स्कूल की या इंटर की मार्कशीट पर लोन लेकर कुछ भी काम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो वो डिटेल आज हम जानने वाले हैं, क्या ये फ्रॉड होता है, क्यों बहुत से लोग इसके चंगुल में फंस चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्यों भविष्य में आने वाले समय में आपके साथ भी कुछ हो सकता है। तो यकीनन आप ये देखिएगा कि इस वीडियो में आपको फुल जानकारी ये मिलेगी, क्या लोन मिलेगा, तो मिलेगा कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने हो सकता है अखबार पर भी देखा होगा, आप बहुत से अखबारों में क्लासीफाइड का सेक्शन आता है अलग से, उसमें लिखा रहता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट पर 50 लाख का लोन ले, 50,000 का लोन ले, और ये सारा डिटेल वहाँ लिखा रहता है। तो क्या ये पूरी हकीकत है, क्या मार्कशीट पर लोन मिलता है या नहीं मिलता है, काफ़ी लोगों का ये डाउट था। हमारे जो बचपन के साथी हैं, जो पढ़ते थे हमारे साथ, वो भी हमसे कई बार ये पूछ चुके हैं कि ये पवन भाई, मुझे हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पर लोन चाहिए, तो क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, सबसे पहला थंब रूल कि हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पर किसी भी प्रकार के ऐसे लोन नहीं मिलता है। अगर लोन मिलता भी तो वो एजुकेशन लोन होता है, मतलब कि अगर आप इंटर के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तब आप इंटर के मार्कशीट के आधार पर लोन ले सकते हैं। लेकिन वो लोन आपको डायरेक्ट आपके बैंक खाते में खर्च करने के लिए नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे इंटर के बाद, उस कॉलेज की फीस का स्ट्रक्चर जो होता है वो उस कॉलेज के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, ना कि आपके बैंक खाते में दिया जाता है जिससे आप उसे खर्च कर सकें या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। रही बात हाई स्कूल की मार्कशीट पर, तो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पर लोन दिया जाए। हाँ, एजुकेशन लोन होता है जो कि हायर एजुकेशन के लिए आपको मिलता है, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि आपको लोन मिलेगा तो डायरेक्ट आपका जो जिस कॉलेज में आप दाखिला लेने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसी कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो भी उनकी फ़ीस होगी। तो ये मान में आप डाउट बिल्कुल निकाल दीजिए कि हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पर लोन मिलता भी है। अब अगर हम बात करते हैं, आप कभी ना कभी ये ज़रूर फंसे होंगे, आपको कॉल आया होगा कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट पर मैं लोन सेंक्शन हुआ है, आप इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए, लोन मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो सारे फ्रॉड होते हैं। आप भी कमेंट कर बिल्कुल मत पूछिएगा आप नंबर क्या होता है। बहुत से लोग नंबर अपना कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, सर मुझे अपने हाई स्कूल की मार्कशीट पर 10,000 का लोन या 50,000 का लोन चाहिए। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे आप पहले, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, फ्री में टावर लगवाएं, 1.5 लाख रुपए महीने कमाएं। तो ये सारे फ्रॉड होते हैं दोस्तों, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों से बहुत ही सतर्क रहें। मेरा वीडियो बनाने का केवल यही मकसद था कि आप लोगों को मैं जागरूक कर सकूं। अक्सर ये दोस्तों कांड क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की, इंटर तक पढ़ाई कर की, इसके बाद उसे कोई बंदा फंसाता है, बोलता है आपने हाई स्कूल किया था, आपके हाई स्कूल पर मैं इतना लोन निकलवा दूंगा और आप आसानी से बिजनेस या कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रॉड है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कि मैंने बताया, एजुकेशन लोन ही एक रास्ता होता है जिस पर मिलता है, वो भी पढ़ाई के लिए, ना कि आपको खर्च करने के लिए। तो ये सारे मिथ जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सारे आप निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ भी कहीं नहीं होता है। तो ये पूरा डाउट था जो आप लोगों के मन में, मैंने क्लियर कर दिया होगा शायद। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको देता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।